कानपुर में गोल्डी उद्योग समूह का लकी ड्रॉ संपन्न हुआ। लकी ड्रॉ का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया। लकी ड्रॉ में कानपुर सहित कई जिलों के लोगों ने भाग लिया। वहीं ब्रजेश पाठक ने गोल्डी मसाले की क्वालिटी और नीतियों की सराहना करते हुए प्रतिष्ठान की प्रगति की कामना की। कंपनी के संस्थापक निदेशक सोम गोयनका और सुरेंद्र गुप्ता ने कार्यक्रम में पधारे सभी आगंतुकों का स्वागत किया। गोल्डी समूह ने पूरे भारतवर्ष के वितरकों को एक साथ एक मंच पर इकट्ठा किया है और मुझे बुलाया है। मैं गोल्डी समूह का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। उत्तर प्रदेश को उद्योग जगत को आगे बढ़ाने में आपने बहुत बड़ा काम किया है। मैं आपको सफलता के लिए बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ और पूरे भारतवर्ष से आए हुए अपने वितरकों का उत्तर प्रदेश की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जनवरी में जो वाराणसी में अपना गोल्डी महासमागम किया था, उसमें अपने पूरे हिंदुस्तान भर के जो वितरक भाई है उनमें से चार प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार और झारखंड में एक स्कीम चलाई थी जिसका नाम रखा था भारत का अमृत महोत्सव। इस स्कीम में सारे रिटेलर भाइयों के लिए करीब 12,000 से ज़्यादा इनाम थे, जिनमें करीब 11 गाड़ियाँ, 111 मोटरसाइकिलें और कई हजारों इनाम, तो उन्हीं का आज लकी ड्रॉ यहाँ कानपुर में संपन्न हो रहा है। गोल्डी समूह द्वारा पूर्व में चलाई गई गोल्डी भारत अमृत महोत्सव स्कीम के तहत लगभग 12,000 से अधिक इनाम आज यहाँ पर लकी ड्रॉ में निकाले जाएंगे। हमें बहुत ही सौभाग्य महसूस होता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के कर्मठ उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी आज यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में सम्मिलित हैं। वह हमारी विशेष अतिथि माननीय नीतू सिंह जी गोल्डी मसाले ने इसके बाद गोल्डी और चांद से हाथ मिला एक स्कीम चालू करी है, जिसमें हमने कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं।